गुड मॉर्निंग। आज हम शांत और अशांत निकालना सीखते हैं। तो शांत और अशांत निकालने के लिए पहले हम ट्रिक से सीखते हैं कि शांत और अशांत निकालने के लिए अंश में 2 और 5 का गुणा होना अनिवार्य। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड अगर कोई डिजिट दे रखी है तो उस डिजिट का अगर एलसीएम निकालते हैं तो वो 2 और 5 से ही जाना चाहिए। अगर वो 2 और 5 के अलावा और भी संख्या से जाता है तो वो अशांत होता है। जैसे कि मान लिया कि अगर हम कोई डिजिट दे रखी है, यानी कि 13 दे रखी है 26 दे रखी है, 26 को हम निकालते हैं 13 और ये 13 से, तो ये क्या होगा? अशांत। हम अगर वो 2 से भी जाते हैं अभाज्य गुणनखंड में या किसी संख्या का, यानी 17/8 यानी 8 2 से ही जाता है तो भी अशांत होगा। अगर कोई डिजिट ऐसी संख्या है जो हम एलसीएम लेते हैं तो उसको 5 से अगर जा रहा है लगातार तो वो भी एक शांत रूप से दर्शाया जाता है, क्योंकि हम उसके बटे में हम 2 और 5 का गुणनखंड कर सकते हैं। या किसी भी संख्या पर अगर भाग 0 लगता है तो उसका मान 1 होता है, या 325 है, करोड़ों लाखों में अगर उसकी घात 0 लगी हुई है तो उसका मान 1 होता है। तो हम 2 और 5 के अलावा और कोई डिजिट आती है तो उसको हम अशांत के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, मतलब ले सकते हैं 77/10, यानी 77/210। अगर ये क्या ये शांत है या अशांत, तो हम 210 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 210 दो से जाएगा, क्योंकि अब पीछे वाली संख्या 0 से। एक बार और कि हम अगर एलसीएम कैसे लेते हैं कि अगर किसी भी संख्या, यानी एलसीएम में अगर पीछे वाली संख्या 0, 2, 4, 6 और 8 वाली संख्या आती है पीछे पीछे, तो वो 100% 2 से एलसीएम जाएगा। अगर उसके अलावा 3, 4 जो भी संख्या जाती है तो बड़े डिजिट 3, 5 और 7 से जा सकता है। तो हम अब यहाँ पर 210 का अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इस रूप में लिखना, मतलब यहाँ पर 50, 25, 25, 125, 125, 625, 625, 625, 3125 होता है। तो ये अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसको टुकड़े में करना। तो यहाँ 210 को हम टुकड़े में करते हैं, तो 210 को टुकड़े में करते हैं तो 2 एकम 2 भागने इसका 0 और 5 दुनी 10, मतलब 2 बार गया। अब ये वापस जाएगा 3 से 3 दिया 9 और 3 5 15। अब यहाँ से जाएगा 5 से 5 7 35, अब 7 से, यानी तो यानी 210 अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2, 3 और 5 और 7 पर 2 और 5 प्राप्त हुआ है, पर उसके साथ में 3 और 7 भी प्राप्त हुआ है। तो इसलिए 77/210 अभाज्य गुणनखंड या शांत नहीं है, यह संख्या अशांत संख्या होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह होता है कि शांत और अशांत दर्शाने के लिए हमें नीचे वाले हर जो अंश बटे हर होता है इसका गुणनखंड करते हैं तो वो हमेशा 2 और 5 से ही जाना चाहिए। इसके अलावा किसी डिजिट से जाती है या किसी संख्या से जाता है तो वह अशांत संख्या मानी जाती है। ठीक।